अगर आप स्पेस में बिना स्पेस सूट के जाते हैं तो 15 सेकंड्स के अंदर आपका होश चला जाएगा और 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आप मारे जाएंगे। लेकिन अगर आप एडवांस स्पेस सूट पहने हुए होते हैं तो वो आपको 6 घंटों तक जिंदा रख सकता है। तो कभी आपने ये सोचा है कि अगर कोई इंसान स्पेस में मर जाता है तो क्या होगा? इंसानी सिविलाइजेशन में पिछले 50 साल के स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री को देखें तो ये पता चलता है कि इस स्पेस प्रोग्रामों के दौरान 18 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन आने वाले समय में जब हम स्पेस में हमारा घर बसाएंगे तब शायद हमें और भी ज्यादा स्पेस डेथ देखने को मिले। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पेस में मरे हुए इंसान का अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा और उस चीज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में ट्रैवल करता है तो उसे जान का खतरा तो रह ही जाता है। वैसे देखा जाए तो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स का फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस चीज की जांच किए बिना किसी भी एस्ट्रोनॉट के स्पेस में नहीं भेजा जाता है। इसीलिए उन लोगों के स्पेस में मौत हो जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इतना कम होते हैं कि नासा के ऑफिशियल पॉलिसी में इस चीज को हैंडल करने का कोई भी पॉलिसी नहीं लिखा है। फॉर्मर एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड के मुताबिक अगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर डिसाइड करेंगे कि उस वक्त क्या करना चाहिए और अगर ऐसा कोई भी हादसा होता है तो पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कहीं पर भी बॉडी स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। डेड बॉडी को प्रेशराइज्ड सूट में भर के ठंडी जगह पर स्टोर किया जा सकता है, लेकिन डेड बॉडी बायोहजार्ड होने के कारण कुछ समय के बाद वो डेड बॉडी बहुत सारे बैक्टीरियाओं का घर बन जाएगा और कोई भी इंसान अपना कमरा किसी डेड बॉडी के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा। इस चीज का एक और सलूशन ये हो सकता है कि साल 2005 में एक स्वीडिश कंपनी ने बॉडी को फ्रीज ड्राई करने का एक मशीन आविष्कार किया था जिसके चलते उस बॉडी में बैक्टीरिया नहीं बस पाएंगे। लेकिन अगर आपके स्पेस शटल में लिक्विड नाइट्रोजन ना हो तो आप स्पेस के ठंडी टेम्परेचर को भी काम में ला सकते हैं और इसी के चलते बॉडी को सुरक्षित धरती पे वापस लाना संभव होगा। इतना तक सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्यों ना बॉडी को डेस्टिनेशन में पहुंच के दफना दिया जाए। ऐसा किया जा सकता है, दूसरे ग्रह पे खोद के बॉडी को दफन करना संभव होगा, लेकिन डेड बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया उस ग्रह के लिए बहुत ही हानिकारक होंगे। इसी के लिए धरती से भेजे हुए सारे रोबोट्स को बार बार से सैनिटाइज किया गया था ताकि दूसरे ग्रह को कोई नुकसान ना हो और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बॉडी को जलाना पड़ेगा जो कि दूसरे ग्रह पे ऑक्सीजन की कमी के कारण बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।